हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नयाब। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरल में एनवेलप कमांड क्या होती है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए अपने कोरल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, कुछ शेप लेके रखे हैं मैंने, मैं इनको इंपोर्ट करता हूँ। जैसे पहला शेप ये है, ये मैंने इंपोर्ट किया और अब मैं चाहता हूँ कि इसके फ्रंट में कुछ लिख दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक बॉक्स, इसके ऊपर जो है एक शेप बना लेते हैं। एक बॉक्स ले लिया और उसे वाइट कर लिया जिससे नज़र आ जाए। इसको कंट्रोल टू कर दीजिए और इसको यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये बन गया आपका शेप। और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लिख लेते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, चलो ये लिख देते हैं ऑनेस्टी दोस्त और तो अब हमें जो है, अब इसका फॉन्ट जो है हम यहाँ पे इम्पैक्ट लेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट फॉन्ट जो है वो परफेक्ट बोल्ड फॉन्ट होता है, आराम से वो शेप में आ जाता है। बस अब यहाँ पे आके आप देखिए, ये है एनवेलप। आप यहाँ से भी ले सकते हैं और या आप इफेक्ट में जाके यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, बस ये इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे जाइए क्रिएट फ्रॉम, इसको पहले हमने पढ़े, क्रिएट फ्रॉम में जाइए और ये जो शेप लिया है ना, उस शेप से करके सर अभी देखिए अपने आप डॉटेड आ गया और इसको अप्लाई कर, ये देखिए बन गया। और बाकी आप चाहें तो इसको जैसे इज द बेस्ट, ये भी इसके बराबर माना चाहिए। तो इसको मैनुअली आपको कंट्रोल रेट कर लीजिए, कंट्रोल रेट कर लेते हैं इसको। और उसके बाद इसको जो है ना मैनुअली करना पड़ेगा, इसको अलग अलग कर लीजिए, कंट्रोल के करके अलग अलग कर लीजिए। फिर इसको जो है इज द को ऐसे कर लीजिए, बेस्ट को ऐसे कर लीजिए, पूरा स्ट्रेच कर लीजिए और पॉलिसी को भी स्ट्रेच कर लीजिए। ठीक है, और इसको ग्रुप कर दीजिए। फिर जाइए आप इसमें शेप में, ले लिया फिर डॉक्टर, ये देखिए ये परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आप इसको हटा दीजिए यहाँ से और इसको जो है परफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से और दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक तो ऐसे कर सकते हैं इंग्लिश कमांड और एक दूसरे को सकते हैं। एक दूसरे से किया हमने, अब ये हमने ले लिया, ये ले लिया हमने कोका कोला बोतल का। ठीक है, ये ले लिया। इसमें जो है इसको राइट क्लिक करके क्विक ट्रेस कर दिया, क्विक ट्रेस में ये आ गया, तो पूरा क्विक ट्रेस से जल्दी क्विक ट्रेस हो जाता है। ये आ गया हमारा शेप, इसका फिल हटा देंगे हम, ये कोका कोला की बोतल है, इसको शेप रहने दीजिए। और यहाँ हम नया वर्ड कुछ टाइप करते हैं, हम इसमें करते हैं ठंडा
मतलब अब ये लगानी है अब इस पे करते हैं हम ये इसको भी वैसे कर लीजिए इसको अलग अलग कर लीजिए। अब देखिए ठंडा जो है वो काफ़ी पतला सा आएगा ऊपर समझी नहीं आएगा इसको इतने हिस्से में आप रख दीजिए ठीक है। अगर पूरे में करेंगे तो देखिए दिखाता हूँ मैं पूरे में कैसा आएगा पूरी बोतल के शेप में जो है ना एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा। अगर हम कुछ ठंडा के ऊपर कोई पतला सा कुछ और भी कोई वर्ड होता तो सही आ जाता है। कर दीजिए ये कर दीजिए ठीक है तो सिलेक्ट क्लिक करके और इसमें करिए ठंडा मतलब कोका कोला ऐसे शेप चेंज कर सकते हैं। और दिखाता हूँ मैं आपसे एक और शेप दे दीजिए इस तरह से आप कोई भी शेप ले लेंगे ना शेप है आ जाएगा। ध्यान रखिए ये हैंडल वाला जो है ना आपको कोई भी शेप लेना है तो प्रॉपर एक ही बॉक्स में लीजिएगा शेप। अगर आप चाहो कि ये भी इधर भी आ जाए तो नहीं आ पाएगा आपको उस तरह के ऑब्जेक्ट में प्रॉपर एक वो बनाना पड़ेगा एक ही शेप बनाना पड़ेगा तो उस शेप में आप एक एडजस्ट कर पाते हैं ये बात ठीक है। ये हमारा शेप बन गया है अब आप उसमें कुछ भी लिख दीजिए हिंदी में टाइप कर दीजिए आप इसमें जल ही जीवन है आप हिंदी के फॉन्ट में जाइए मेरे पास हिंदी के फॉर्म लिए हैं ये बहुत सारे फॉर्म है मेरे पास हिंदी के तो ये सब बोल्ड सा फॉन्ट ले लेता हूँ इसमें जो आराम से इसमें एडजस्ट किया फॉन्ट बहुत सारे हैं मगर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छा तो फॉन्ट नहीं होगा मुझे ये लेते हैं ये वाला फोन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मजा है तो ये फोन तो ठीक नहीं है दूसरा लेते हैं ये वाला लेते हैं ये थोड़ा सा बोलता है अब यहाँ पे लिख देते हैं हम जल जी जीवन है तो कंट्रोल के करके आई थी अलग अलग कर लीजिए जीवन है कंट्रोल जी करिए
और उसको मैं फीड फ्रॉम में जाके कर देता हूँ, ये देखिए आ गया। तो इस तरीके से हम कोई भी शेप में एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी टेस्ट।